आज जूना अखाड़े में शामिल होंगे 1000 नए नागा सन्यासी। कुंभ मेला क्षेत्र में रविवार को जूना अखाड़े में जश्न का माहौल है। यहां 1000 नए नागा सन्यासी अखाड़े में शामिल होंगे। इसके लिए विधि विधान से हवन पूजन किया जाएगा। आज कुंभ में स्नान करने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुँचे। उन्होंने निरंजनी अखाड़ा पहुंचकर साधु संतों से मुलाकात की। अखिलेश का यहां तिलक लगाकर स्वागत किया गया। कुंभ में देश ही नहीं विदेश से भी लोग पहुंच रहे हैं। यहां भारतीय संस्कृति से रूबरू होने के लिए प्रशासन ने अलग से गांव बसाए हैं। यहां आने वाले लोग अखाड़ों और शिविरों में पहुंचकर धर्म और अध्यात्म की सीख ले रहे हैं। कुंभ में सेक्टर 16 में स्थित जूना अखाड़े में आज सुबह से ही हवन पूजन का दौर शुरू हो गया। यहां देर शाम तक यह कार्यक्रम चलेगा। इस दौरान नए नागा सन्यासी जूना अखाड़े में शामिल होंगे। राम मंदिर निर्माण के लिए लेकर परिक्रमा की राम मंदिर निर्माण के लिए संकल्पित मौनी बाबा ने रविवार को अपने शिविर से लेकर संगम तक लेटकर परिक्रमा की। बाबा बोले, मंदिर निर्माण उनकी अंतिम इच्छा है। वह माँ त्रिवेणी से मंदिर निर्माण के लिए प्रार्थना करेंगे। मौनी बाबा कुंभ में राम मंदिर निर्माण के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। बाबा अपने शिविर में मकर संक्रांति के दिन से रोजाना 33,000 दीप जला रहे हैं। 33,000 रुद्राक्ष से बने शिवलिंग का भी पूजन किया जा रहा है। मौनी बाबा मेला क्षेत्र में चक्र कुंडों में यज्ञ भी करेंगे। साधु संतों के शिविरों में तिरंगा और धर्म ध्वज लहराए। शनिवार को कुंभ मेला क्षेत्र में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। यहां साधु संतों के शिविरों में धर्म ध्वज और तिरंगा लहराते नजर आए। साधुओं ने गणतंत्र दिवस खास अंदाज में मनाया। भगवाधारी साधुओं ने एक हाथ में दंड त्रिशूल व डमरू तो दूसरे में तिरंगा लेकर राष्ट्र ध्वज फहराया और भजनों व देशभक्ति गीतों के जरिए लोगों को आपसी सद्भाव बनाए रखने की सीख दी। संत महात्माओं और नागा साधुओं ने भारत माता के चित्र पर फूल चढ़ाकर दीप जलाए और लोगों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का संकल्प दिलाया। कुंभ में आज होने वाले आयोजन निम्बार्क नगर में कथावाचक संत मुरारी बापू का रोज की तरह प्रवचन। सेक्टर 16 भक्ति वेदांत नगर काशी में कथावाचक राम कमलदास वेदांती की कथा।